आपको उमरान मलिक याद है, तेज गेंदबाज, गति के सौदागर, शानदार गेंदबाजी के आईपीएल में उसके दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई और हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमरान मलिक ने गेंद फेंकी, हिंदुस्तान में लगा मानो शोएब अख्तर ही पैदा हो गया। लेकिन उसके बाद उमरान मलिक गए कहाँ? उमरान मलिक ने अपना आखिरी मैच कब खेला? उमरान मलिक आजकल कहाँ है? ये शायद किसी को नहीं पता। उमरान मलिक एक वक्त भारतीय टीम में लगातार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उमरान मलिक ऐसे गायब हुए कि पिछले कुछ महीनों से उनकी चर्चा तक नहीं हुई है। उमरान मलिक ने अपना आखिरी मैच खेला था जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ, उसके बाद से भारतीय टीम से लगातार बाहर है। ना वनडे टीम में उन्हें जगह मिल रही है, ना टी20 टीम में उन्हें जगह मिल रही है। उमरान मलिक को बार बार ड्रॉप किए जाने को लेकर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठा दिए हैं। आकाश चोपड़ा से उनके यूट्यूब चैनल पर एक शख्स ने पूछा, क्या 24 साल के उमरान मलिक को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाना चाहिए? इस पर आकाश ने कहा, मुझे लगता है उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिए। आपने कुछ समय पहले उन्हें टीम में रखा था, आपने उन्हें वेस्टइंडीज या आयरलैंड दौरे पर खिलाया और तब से वो बाहर है। उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। आप किसी को मौका देते हैं और फिर अचानक उसे बाहर निकाल देते हैं, जो मुझे सही नहीं लगता। आकाश चोपड़ा ने कहा, कम से कम उमरान मलिक को स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा जाना चाहिए। यह हैरानी की बात है कि उन्हें इंडिया ए तक में जगह नहीं दी गई। जो खिलाड़ी 3 महीने पहले तक टीम इंडिया का हिस्सा था, वो अब इंडिया ए के लायक भी नहीं है। आकाश ने कहा है, जहां तक टी20 टीम में शामिल होने की बात है, तो उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम इंडिया ने इस साल जुलाई में जब वेस्टइंडीज का दौरा किया था, वहां पर उमरान मलिक को चुना गया था। उमरान मलिक ने गेंदबाजी की, ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन उसके बाद से उन्हें बाहर कर दिया गया। उमरान मलिक को लेकर सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो काम उमरान मलिक कर सकते हैं, जिस गति से उमरान मलिक गेंद फेंक सकते हैं, शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है। यही वजह है कि आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि भाई उमरान मलिक कहाँ गायब है, उमरान मलिक को क्यों बार बार दरकिनार किया जा रहा है, क्यों उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं किया जा रहा है। वेस्टइंडीज दौरे में जब उन्हें जगह दी गई थी, तो सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में उन्हें मौका मिला था, लेकिन वो दोनों मैचों में विकेट नहीं ले पाए थे। अब साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया ए टीम को 4 दिनों के 2 मैच खेलने हैं और इसके लिए उमरान को टीम में शामिल नहीं किया गया है। उमरान आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। आईपीएल में उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी का परिचय दिया था और खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। इसी के दम पे वो टीम इंडिया में भी आ गए थे और उन्हें भारतीय टीम का भविष्य भी माना जा रहा था। उमरान ने भारत के लिए 10 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 13 विकेट उन्होंने लिए हैं, जबकि भारत के लिए खेले 8 T20 मैचों में उन्होंने 11 विकेट अपने नाम किए हैं। उमरान ने अभी तक भारत के लिए टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। आईपीएल और टीम इंडिया में उनकी गेंदबाजी देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि उमरान मलिक शोएब अख्तर सरीखे गेंदबाज हैं। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक के ये साबित भी किया और हिंदुस्तान की सबसे तेज गति के गेंदबाज वो बन गए। जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया और हिस्ट्री में अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि इंडिया के फास्टेस्ट गेंद किसने फेंकी है, तो उमरान मलिक का नाम आएगा। लेकिन गूगल पर शायद आपको ये देखने को ना मिले कि उमरान मलिक के पास गति तो है, लेकिन वो लाइन लेंथ से लगातार सफर करते हुए नजर आते हैं। उमरान मलिक के पास सिर्फ गति है, लाइन लेंथ नहीं है। शायद यही वजह है कि वो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। लेकिन सेलेक्टर्स उनकी तरफ अब कब देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 6 महीने बाद टी20 वर्ल्ड कप आना है। क्या उमरान मलिक को वहां पर जगह मिलेगी, क्या मिलनी चाहिए, क्या आपको लगता है उमरान मलिक को मौका मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताएं।